अच्छी सेहत के लिए जरूरी है अच्छा और शुद्ध खाना। ऐसे में ध्यान रखना जरूरी है कि जो भी आप खा रहे हैं वो मिलावटी ना हो। इसी से जुड़ी जानकारी देने के लिए हम लाए हैं ये खास सीरीज असली नकली। इस वीडियो में जानें असली गुड़ की पहचान करने का तरीका। नमस्कार, मैं हूं अंकित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं किसान तक। आज हम आपको बताएंगे कि शुद्ध गुड़ की पहचान क्या है, कैसे करें शुद्ध गुड़ की पहचान और क्या है इसकी खासियत। तो ये चीजें हम आज इसको बताने के लिए हम रामगढ़ के अल्लीपुर गांव में आए हुए हैं, जो कि कैमूर जिले में पड़ता है। और हमारे साथ हैं साहेब सिंह हैं, जो कई सालों से खेती कर रहे हैं और गुड़ की खेती कर रहे हैं, ईख की खेती कर रहे हैं। अब बताइए सर, पहचान क्या है इसका, गुड़ की क्या क्या पहचान होते हैं? देखिए, ये अच्छा अगर रहेगा तो आपको कहते कला जब जीव डालिएगा, मुंह में डालिएगा, हाँ जैसे डालिएगा तो इसमें कोई कुछा कपड़ा कोई भी नहीं। फिर उसको छानी, जैसे रस घोरना है पानी में छानिएगा, उसमें देखिएगा कि कचरा नहीं है, फ्रेश गुड़ है, यही तो पहचान है इसका। यही पहचान और आप जो खाइएगा, जो मुंह में खाइएगा तो पता चलेगा कि हाँ ये गलत है, सही है, किटिर मिटिर नहीं करेगा। इसका खाने का सीधा सा है कि मैं खा रहा हूँ, मैं खुद महसूस कर रहा हूँ कि हम जो गुड़ खाते हैं नॉर्मली, उस गुड़ में मुंह में कुछ लगता है कुछ छूट गया है, कुछ कचड़े जैसा ऐसा कुछ छूटता है, लेकिन इसमें है कि पूरा का पूरा जो इसका हिस्सा है, जितना हिस्सा ले रहे हैं मुंह में, वो पूरा का पूरा पेट में मतलब चल जाए, मुंह में कुछ बच नहीं रहा है। तो जैसा आपने कहा, एक अलग स्वाद है, एक खसखस थोड़ा सा और अलग ढंग का स्वाद होता है, लेकिन इसमें पूरा मीठापन है और एक अलग ही ग्रामीण वाला मीठापन है। और क्या चीजें होती है इसमें, और क्या पहचान इसमें? तो मान लीजिए जैसे सफेद है, सफेद कला जैसे होता है तो खेती है, जैसे मिट्टी होता है, कलर का कोई मतलब, कलर का कोई मतलब नहीं, नहीं कि कोई काला गुड़ से क्या होता है, ऐसा नहीं कि ऐसा वही शुद्ध है, वही शुद्ध है, ये बात नहीं है। इसमें जैसे मान लीजिए मिट्टी जैसे होता है, जहाँ मान लीजिए कि खेत में है, मिट्टी जैसा होता है वैसा काला काला मिट्टी रहेगा, काला होगा सफेद मिट्टी रहेगा। जैसे करेल, हाँ हम लोग करेल कहते हैं, सिकटा कहते हैं, उसमें का मिट्टी के द्वारा मान लीजिए कि रंग में करेल जैसा, हाँ, उसके अनुसार उसका कलर हो जाता, कलर हो जाता है, जैसा जलवायु जैसी स्थितियां होती है उसके अनुसार लोगों का, हाँ, भी आम लोगों में भी देखते हैं, वैसे ही गुड़ में भी है। और क्या रहता है सर, इसका खर्च कैसे, क्या बाजार में क्या लोग कितने में जाता है ये बाजार में? ये बाजार में मान लीजिए कि जो पहचानता है, यहाँ जो लोग खाए हैं वो पहचानता है, बाजार का गुड़ लाता है, लेकिन ये महंगा है समय में मिल रहा है, जैसे 100 रुपया किलो ये शुद्ध गुड़, हाँ शुद्ध गुड़ लोग लेते हैं, कि इसलिए शुद्ध मान करके कि शुद्ध ये गुड़ है, इसमें कोई कचरा पचरा कोई ना आरान बरान कोई चीज नहीं है। बाजार का लाते हैं लोग, किसी को विश्वास, वो खाता है तो तुरंत पता चल जाता है। इसके अलावा और भी कई तरीकों से आप शुद्ध और मिलावटी गुड़ में पहचान कर सकते हैं। असली गुड़ वजन में हल्का होगा, जबकि मिलावट की वजह से नकली गुड़ वजन में भारी होता है। दरअसल नकली गुड़ में कैल्शियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट मिलाया जाता है, जिससे उसका वजन बढ़ जाता है। असली गुड़ सख्त होता है, अगर गुड़ में मिलावट की जाती है तो वो मुलायम लगता है। और अब आप जब भी गुड़ खरीदने जाएं तो इन बातों का ध्यान जरूर रखें। ऐसे ही वीडियोस के लिए जुड़े रहें किसान तक के साथ।